कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे बाबा बैद्यनाथ की नगरी। देवघर लालू प्रसाद के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। राजद नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लालू प्रसाद के स्वागत के लिए रणनीति तय कर रहे हैं। कल यानी 10 सितंबर 2023 को पटना से 10 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। देवघर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे देवघर परिसदन पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से मिलेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पूजा अर्चना करेंगे। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद पुनः सर्किट हाउस जाएंगे और वहां से देवघर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के आगमन की खबर से राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लालू प्रसाद यादव के स्वागत के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। कल का क्या कार्यक्रम है लालू जी का? देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा देवघर बाबा नगरी में पूजा अर्चना हेतु आ रहे हैं। इस संबंध में सारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता, सभी जनता काफ़ी हर्ष उल्लास और खुशी में जो है आज सब लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हवाई अड्डा पर जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां के बाद जो है पहुंचेंगे सर्किट हाउस, जगह जगह पर जो है उनका स्वागत होगा। फिर दूसरे दिन जो है सुबह 7 बजे देवघर बाबा मंदिर पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। फिर जो है सर्किट हाउस पहुँच के इसके बाद यहाँ से जो है वही प्लेन द्वारा वापस जाएंगे। कौन कौन आ रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी, साथ में जयप्रकाश नारायण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ में भोला प्रसाद यादव आएंगे और भव्य स्वागत का तैयारी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी हमारे बीच प्रधान महासचिव कैंप किए हुए हैं देवघर में, माननीय पूर्व MLA संजय यादव जी, सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं और खुशी का माहौल पूरे देवघर में छा गया है। लालू प्रसाद यादव पहुंचते ही यहां ढोल नगाड़ा के साथ जो है स्वागत किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि विदेश से किडनी ट्रांसफ़र करके आया है, अस्वस्थ होकर आए हैं, तो बाबा के नगरी बाबा भोले माँ पार्वती के दरबार में दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस दर्शन के चलते जो लोगों में उत्साह है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में, पदाधिकारी में, वर्करों में, उनके शुभचिंतकों में काफ़ी उत्साह है। ये संथाल परगना नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में उत्साह है कि आज बाबा के नगरी कल 10 तारीख को आ रहे हैं करीब 12 बजे एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से सर्किट हाउस आएंगे और सर्किट हाउस के बाद फिर रात्रि विश्राम है यहाँ और फिर पुनः सुबह 7 बजे 11 तारीख को बाबा भोले का माँ पार्वती का दर्शन होगा। दर्शन के बाद श्रृंगारी पूजा होगा, श्रृंगारी पूजा के बाद जो है वो सर्किट हाउस आएंगे, फिर यहाँ से खाना वाना खा करके फिर जो एयरपोर्ट 11 बजे 11:30 बजे निकल जाएंगे। उनके साथ और कौन कौन होंगे? उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी आएंगे, भोला बाबू आएंगे, जयप्रकाश बाबू आएंगे, ये सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से भी मिलने का समय दिया है कि कार्यकर्ताओं से? देखिए, जब नेता ही आ रहे हैं और हमारा नेता खुला है, गरीबों का मासिया है और गरीब जब उत्साह होते मेरा नेता का अपने कलेजा ऊँचा रहते हैं, तो हमारा नेता देखते हैं कितनों भीड़ रहे फिर भी अपने लोगों से मिलते हैं, यही तो लालू जी का परिचय है, यही संदेश। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।